अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज हम लोगों ने कुछ काम था यूनिवर्सिटी में, फॉर्म वगैरह फिल करने थे, तो हम यूनिवर्सिटी में आई थी। हम तमाम फ्रेंड्स आपस में बैठ के ग्रुप में हम बातें कर रही थी, साथ फॉर्म फिल कर रही थी यूनिवर्सिटी के। देखें मतलब बहुत से स्टूडेंट्स आए हुए थे, सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, सब आए हुए थे अपने अपने फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए आ रहे थे। फिर हमारे फॉर्म वगैरह फिल हो चुके तो हम लोग कैफेटेरिया की तरफ जा रहे थे। ये हमारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खुशहाल और बड़े बड़े रूम्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी के। अब हम जा रहे थे कैफेटेरिया की तरफ, फॉर्म्स वगैरह से हम फारिग हो चुके थे। ये बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग है, सामने सिटी हॉल है जहाँ तमाम हमारे फंक्शंस अरेंज किए जाते हैं। सूरज से ही आबोताब से चमक रहा था, सवानेजे पर था, फूल देखें, हालांकि बाहर का मौसम नहीं है लेकिन फूल भी सही तरह से खिले हुए थे। उसके बाद हम लोग कैफेटेरिया में जाने लगे थे। यहाँ पर फूल देखें एक बार, किस कदर खूबसूरत फूल है, और ये गुलाब का फूल है। ये कैफेटेरिया की साइड है, यहाँ पर सामने पहले वेटिंग एरिया है जहाँ पर स्टूडेंट्स और बच्चियाँ अपने गाड़ी वालों का इंतज़ार करती हैं। उसके बाद हम लोग कैफेटेरिया के साथ वाले रूम में जाकर बैठने के लिए गए। हम देखने गए कि वो रूम खाली है या नहीं, जब हम गए तो रूम खाली था, फिर हम भी यहीं बैठ गए। ऐसे लग तो बहुत पुरानी सी बिल्डिंग रही है, वैसी फ्री रूम होते हैं, यहाँ पर बच्चियाँ अक्सर बैठ जाती हैं और अपनी गाड़ियों का इंतज़ार करती हैं। यहाँ पर पंखा भी ऊपर लगा हुआ था तो हम आराम से बैठ गए यहाँ पर। उसके बाद हम लोग को भूख लगी और हम लोगों ने कहा कि क्यों ना कुछ खाने के लिए जाएँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी के सामने की देखिए गाड़ियाँ बच्चों को लेने के लिए खड़ी हुई हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के सामने हक बेकर्स थी, तो हमने कहा हम वहाँ चलते हैं और कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेकर आते हैं। तो ये सड़क पे गाड़ियाँ जा रही हैं, इतना रश नहीं होता इस वक्त, यहाँ पर गर्मी है और आपको पता है कि जूस वालों की रेड़ियाँ तो लाजमी तौर पर लगी होंगी। ये रूह अफ़ज़ा का जूस है, ये तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं बच्चों को लेने के लिए, सड़क पे इतना रश नहीं था। ये वो जो आज दाने होते हैं जो लोग मतलब माएँ वगैरह से ज़्यादा खाती हैं। अब हम बेकरी पर पहुँच चुके हैं, ये पत्ती का पैकेट है, मैंने कहा मैं भी देखूँ आज चीज़ें दूँ। तो ये देखें गिफ्ट्स लड़कियाँ मतलब लेती हैं, वॉचेस वगैरह, तो हर चीज़ यूनिवर्सिटी हमारे के सामने है ना, तो बेकरी वालों की माशाल्लाह अच्छी बेकरी वगैरह हो जाती है। ये बिस्किट्स वगैरह हर तरह के हैं यहाँ पर, ये डेरी मिल्क चॉकलेट्स तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये बाहर से भी देखें, व्यू देखें हमारे, ये जो यूनिवर्सिटी के सामने हक बेकर्स हैं। अब हम लोगों ने चीज़ें जो लेनी थी हमने ले ली, ये नसीब बिरयानी है साथ में, तो जो चीज़ें हमने लेनी थी हम ले चुके थे। और अब हम लोग जा रहे थे यूनिवर्सिटी की तरफ, वापस जा रहे थे। हमारे यूनिवर्सिटी के सामने इतना रश नहीं होता, अब हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। जो चीज़ें ली थी हमने कहा हम उसी रूम में बैठकर क्यों ना एंजॉय करें, जब तक गाड़ी नहीं आती गाड़ी का वेट करते हैं। अब गाड़ी आ चुकी थी और हम लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो चुके थे, हमारा काम कंप्लीट हो चुका था, सब ने आपस में बातें की, गपशप लगाई, दिन अच्छा गुजर गया। सो अब हम शाम का वक्त हो रहा था और हम लोग अपने घरों की तरफ रवाना थे।